रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अनुज सारिका नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो हरियाणा की थी और अनुज यूपी से, जिसकी वजह से दोनों के परिवार वाले शादी के लिए तैयार नहीं थे। समय बीतता है, समय के साथ दोनों अपने परिवार वालों को जैसे तैसे शादी के लिए मना लेते हैं और अनुज सारिका से शादी करके उसे अपने घर दिल्ली ले आता है। सारिका का अपने दिल्ली वाले ससुराल में अब पहला दिन था। वो अपने हरियाणवी लिबास में तैयार होकर रसोई में जाती है और सबके लिए बड़े ग्लास में लस्सी लेकर आती है, जिसे देखते ही उसकी सास आशा का सर घूम जाता है। बहू, ये सब क्या है? इतने बड़े बड़े गिलास लस्सी लेकर तू क्यों आई है? कुछ और नहीं बनाया है क्या? ना सासू जी, हमारे यहाँ तो सुबह सुबह ही लस्सी का बड़ा वाला गिलास पीवे है नाश्ते में, सेहत के लिए अच्छी हो वैसे। हाँ वो तो पता है मुझे, लेकिन तुम्हारे हरियाणा में काम कहाँ होता है आदमियों को? पूरे दिन बस घर के बाहर बैठकर हुक्का ही पीते रहते हैं। यो के बात कर रहे हो आप सासू जी? आप हमारे हरियाणा वालों की इंसल्ट करो हो। इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, वहाँ के लोगों का काम बता रही हूँ। बाकी काम तो सब तुम्हारे यहाँ की औरतें ही करती हैं, लेकिन मुझे उससे क्या? और तूने ये कपड़े क्यों पहने हैं? अब आपको मेरे कपड़ों से क्या दिक्कत हो गई सासू जी? आपने तो अपनी हरियाणवी बहू के ससुराल के पहले दिन ही कचकच शुरू कर दी। बहुत काम से मने, जाने दीजिए। बहू ये कपड़े उतार कर जा, साड़ी डाल ले। तेरी शादी हरियाणा में नहीं दिल्ली में हुई है, यहाँ ये सब कपड़े नहीं पहनती है हमारे घर की बहुए। आशा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सारिका अपने कमरे में जाती है और अनुज को गुस्से में धक्का मारती है। यो सब कैसे? आपने तो कहा था मैं अपनी मर्जी से यहाँ रह सकूँ हूँ। यार अब मैं क्या बोलूँ, तुम अलग जगह से आई हो, तुम्हारा रहन सहन सब कुछ अलग है और हमारा रहन सहन सब कुछ अलग। अरे कुछ दिन रुक जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप कुछ दिनों की बात कर रहे हो, आज तुम्हारा पहला दिन से बताना कैसा जाता है। दूसरी बात, मुझे साड़ी पहनना ना आवे। अरे कोई बात नहीं, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें साड़ी पहनना सिखा दूंगा। आपने आती सी साड़ी पहनाना? हाँ आती है, हमारी सोसाइटी में जब भी रामायण होती है ना, मुझे सीता बनाया जाता है, इसलिए मुझे ये सब आता है। अरे मुझे तो पता ही ना था कि मेरा पति इतना गुणवान है। धन्यवाद भगवान मने इतना अच्छा पति देने खातिर। सारिका की बात सुनकर अनुज हंसने लगता है और अलमारी से साड़ी निकालकर उसे साड़ी पहनने का तरीका समझाता है। थोड़ी देर बाद सारिका साड़ी पहनकर नीचे आती है और आशा उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। हाँ ये हुई ना बात, अब लग रही है तो इस घर की बहू। जा थोड़ा घर की सफाई कर, उसके बाद देख लेंगे कि क्या करना है। मैं तब तक पड़ोस से घूम कर आती हूँ। सासू माँ अभी करती हूँ। सारिका इतना कहकर हाथों में झाड़ू उठाकर हॉल में लगाना शुरू हो जाती है। तभी उसकी नजर होम थिएटर पर जाती है, जिसे देखते ही वो बहुत खुश होती है। अब मजा आएगा काम करने में। चल ससुराल में पहला दिन से आज मेरा, कुछ तो अपनी पसंद का होएगा। सासू जी भी घर पे ना है, आराम से गाने बजा कर काम करूंगी मैं। सारिका इतना कहकर होम थिएटर में तेज वॉल्यूम में गाना बजाकर हाथों में झाड़ू लेकर नाचते हुए काम करना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद उसकी सास आती है और उसे बहुत तेज आवाज देती है, लेकिन वो नाचते हुए रसोई में बर्तन धो रही थी, इसीलिए उसे अपनी सास की आवाज सुनाई नहीं देती। गाने की इतनी तेज आवाज सुनकर आशा अपने कानों पर हाथ रख लेती है। भगवान ये बहू है या तूफान, आज पहले ही दिन दुखी करके रखा हुआ है, सफाई करने के लिए बोला है, पूरा घर सर पर उठा रखा है। बहू, ओ बहू, जरा एक कप चाय पिला दे मुझे। सारिका को अपनी सास की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी और वो रसोई के स्लिप पर चढ़कर नाचते हुए खिड़कियां साफ कर रही थी। तभी आशा वहां आती है और सारिका का पैर पकड़कर उसे खींचती है। उतर नीचे, उतर अभी के अभी, पूरा घर सर पर उठाया हुआ है और कुछ नहीं, बंद कर पहले जाकर ये होम थिएटर को। अरे सासू जी मारा पैर तो छोड़ो, जब इतने उतरूंगी मैं, पहले दिन ही मेरे हाथ पैर तोड़ दोगी के? अरे पैर छोड़ो मारा। हाँ छोड़ दिया, उतर जल्दी अब। हाँ सासू जी बोलिए, उतर गी के हो गया जो इतना गला फाड़ रही हो आप? पहले अपना ये भोपू बंद कर जल्दी, इसके आगे कोई चीज सुनाई ही नहीं दे रही है। सासू जी कान तो छोड़ो मारे, अरे बहुत दर्द हो रहा है, इब करती हूँ। पहले बंद कर तब छोड़ूंगी मैं तेरा कान, पहले ही दिन इतना हंगामा मचा रखा है, ना जाने आगे क्या ही करेगी ये। इब कान तो छोड़ो, इसके लिए आपने हमारे कान लाल कर दिए।
आप खुद भी तो इसको बंद कर सकती थी ना। इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात हो गई? इसे मैंने तो चालू नहीं किया था। जो मैं बंद करूं? अपने ससुराल के पहले दिन में लड़के ऐसे नाच नाच का घर का काम करती है क्या? 10 बार आवाज लगा ली लेकिन तू है कि एक नहीं सुनती मेरी। तो के रो रो कर करती, पर रही बात 10 बार आवाज देने की, तो 10 बार और दे लेती, कौन सा आपकी आवाज ने चली जाना था। सारिका इतना कहकर बाहर गार्डन में जाती है और पौधों में पानी डालने लगती है। तभी उसकी नजर अपने पति पर जाती है जो कि गार्डन में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसे देखकर सारिका उसे गाना सुनाती है, कदे यो कदे कदे वो कदे, मेरी तो रेल बना रखी से यहाँ। सारिका पौधों को पानी देते हुए लगातार गाना गाए जा रही थी लेकिन अनुज पर उसके गानों का कोई असर नहीं होता। तभी उसकी पड़ोसन कमला उसका गाना सुनकर वहाँ आती है और अनुज के पास जाती है। बेटा, तेरी वाइफ तुझे कब से देखकर तेरे लिए गाना गाए जा रही है, और एक तू है कि उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देख रहा है। वो बात और है कि गाने में ताना मार रही है। नहीं नहीं आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। सारिका को गाना गाते हुए काम करने की आदत है, इसलिए वो गाना गा के काम कर रही है, इससे उसका काम जल्दी हो जाता है। क्यों सारिका, सही कह रहा हूँ ना मैं? ना बिल्कुल भी ना, आप गलत हैं। आंटी जी सही कह रही से, मैं ये गाना आपको सुनाने के लिए गा रही थी, लेकिन आपको और आपकी माँ को काम के सिवा और कुछ दिखाई कहाँ दे से, बस काम 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 में लगे रहो। अरे बाबा, पहले तो तुम शांत हो जाओ और बताओ क्या हुआ है, ऐसा कौन सा काम है जो मेरी माँ ने तुमसे करवा लिया है? ये बोलो कौन सा काम ना करवाया हो, खाना बनाने से लेकर साफ सफाई तक तब तो करवा लिया, लग ही नहीं रहा है कि यो मेरा ससुराल में पहला दिन से, ऐसा लग रहा है साल हो गए मैंने आए हुए। आपकी दिल्ली से अच्छा तो हमारा हरियाणा से, जहाँ नई नवेली दुल्हन को इतने लाड प्यार से रखते से लोग। ऐसी बात नहीं है बहू, हमारे यहाँ भी बहुओं को बहुत प्यार से रखते हैं। वो बात है कि तेरी सास तुझे प्यार से नहीं रखती है, सबका अपना अपना नसीब होता है ना। आंटी जी बस करिए आप, अगर आप किसी के घर में लगी हुई आग बुझा नहीं सकती ना, तो उसमें घी डालने का काम मत कीजिए। अनुज इतना कहकर सारिका को लेकर घर के अंदर चला जाता है, लेकिन सारिका गुस्से में अपना हाथ छुड़वा कर छत से कपड़े लेने के लिए चली जाती है। तभी अनुज अपनी माँ के कमरे में जाता है। माँ ये सब क्या है? क्या हुआ बेटा, मैंने क्या कर दिया? माँ आज सारिका का पहला दिन था और आप उसे इतना सारा काम करवा रही हो, ये सब ठीक नहीं है माँ। बेटा दिन पहला हो या दूसरा, काम तो करना ही पड़ेगा। अगर वो काम नहीं करेगी तो हमारे घर के तौर तरीके कैसे सीखेगी वो? जैसी वो हरियाणवी में बोलती है वैसे ही पहनती ओढ़ती भी है और खाती पीती भी है, जो कि मुझे पसंद नहीं है। माँ मानता हूँ आप अपनी जगह सही हैं, लेकिन एक ही दिन में इतना सारा काम करवाना क्या सही लगता है आपको? माँ आप कितने भी कोशिश करो लेकिन एक दिन में आप इंसान को बदल नहीं सकती हो, वो एक दिन में नहीं बदलेगी, वो धीरे धीरे करके अपने आप को बदल लेगी, लेकिन आपको उसे समय देना पड़ेगा। और पहली बात तो ये, आज उसका पहला दिन है और पहले दिन उसे कुछ अलग लग ही नहीं रहा है। अनुज के समझाने पर आशा को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपनी बहू के कमरे में जाती है तो देखती है कि वो कपड़े प्रेस कर रही थी, कि तभी वो उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। बहू मुझे माफ कर दे, आज तेरा पहला दिन है ससुराल में और मैंने तुझसे इतना सारा काम करवाया। मैंने सोचा तुझे एक ही दिन में सब कुछ सिखा दूं, एक बार भी ये नहीं सोचा कि तू अभी इस घर की नई दुल्हन है, तुझसे इतना काम नहीं करवाना चाहिए। कोई बात ना सासू जी, अच्छा ही हुआ आज पूरे दिन काम करके मैंने अंदाजा लग गया कि मैंने के काम करना से, कल से मैं समय से सारा काम खत्म कर लूंगी, वो भी बिना होम थिएटर बजाए। सारिका की बात सुनकर आशा हंसने लगती है और उसे प्यार से गले लगा लेती है। इस तरह से अपने ससुराल का पहला दिन खत्म होने के साथ साथ सारिका अपनी सास का गुस्सा भी कम कर लेती है और उसका दिल भी जीत लेती है। सुरेखा अपनी चौथी बहू कामनी और पांचवी बहू सलोनी के साथ छत पर बैठी होती है, तभी वहाँ सुरेखा की पड़ोसन मंगला आती है और सुरेखा से बोलती है, अरे सुरेखा तूने सुना है? ऐसा क्या हो गया जो अब तक मैंने नहीं सुना और तुझे आकर मुझे बताने की जरूरत पड़ गई? ये जो वीर बाजार लगता है ना हमारे घर के पास, वहाँ पर साड़ियों की सेल लग रखी है। क्या साड़ियों की सेल? माँ जी हम भी चलते हैं ना साड़ियों की सेल में, मेरे पास साड़ी भी नहीं है कोई अच्छी सी, आप 3-4 साड़ी मुझे दिला ही देना सेल में से। कल ही तो जब आप मुझे कपड़े धोने के लिए साड़ी दिखा रही थी, मेरे सामने ही आपने कितनी साड़ी दिखाई थी ना, और अब आप बोल रही हो साड़ी नहीं है। हाँ ये तो है, सब माँ जी के आगे बोलना जरूरी था, माँ जी मुझे साड़ी दिलाने के लिए मान जाती, लेकिन तुम्हें बोलना था
अगर माँ जी ने मुझे साड़ी दिलाने से मना किया ना, तब देखना क्या करती हूँ। ये क्या बोल रही है तू? थोड़ा तेज बोल, हम भी तो सुने। क्या बोल रही है तू? नहीं नहीं माँ जी, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। वैसे माँ जी, सेल में हम भी चलते हैं ना? हाँ हाँ, पैसों को आग लगाना हो तो तू सबसे पहले आगे जाएगी। रहने दे, कोई जरूरत नहीं है सेल में जाने की। तो तेरी बहू के लिए कौन बोल रहा है कुछ लेने के लिए? मैं तो हम दोनों के लिए बोल रही हूँ, हम दोनों चलते हैं। सेल की बात सुनते ही सुरेखा की बहू कामनी के कान खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये लालचीपना एक बहू में नहीं था, बल्कि सुरेखा की तीसरी बहू अंजलि, वो भी बहुत लालची ही थी। ऐसे ही एक दिन पांचों बहुएं, पहली बहू प्रेमा, दूसरी बहू वर्तिका, तीसरी बहू अंजलि, चौथी बहू कामनी और पांचवी बहू सलोनी शॉपिंग से घर वापस आती हैं। तभी धीरे से कामनी अंजलि से बोलती है, अंजलि दीदी, हम ना घर पर माँ जी को ज्यादा पैसे में शॉपिंग बताएंगे और कुछ पैसे अपने पास ही रख लेंगे ना। हम दोनों तो झूठ बोल देंगे, लेकिन बाकी के तीन ईमानदारी की मूर्ति जो है वो सच बोल देंगी ना। इन तीनों को जाते ही रसोई में भेज देंगे, फिर माँ जी से हम ही बात कर लेंगे ना। बाद में इन्हें बता देंगी कि माँ जी को हमने शॉपिंग का हिसाब दे दिया है। कामिनी की बात सुनकर अंजलि उसकी बात मान जाती है और पांचों घर में जैसे ही आती है तो अंजलि और कामिनी बहाने से बाकी तीनों बहुओं को काम में लगा देती हैं और खुद सुरेखा के पास जाकर बोलती हैं, माँ जी क्या हुआ बहुओं, आ गई शॉपिंग से? बाकी की तीनों कहाँ हैं? माँ जी वो तीनों थक गई हैं, इसलिए कमरे में आराम करने चली गईं। माँ जी आपको क्या ही बताएं, महंगाई इतनी बढ़ गई है। अरे जो साड़ी पहले 500 में आती थी वही अब 1200 में आ रही है। अरे इतने महंगे कपड़े लेने को किसने बोला था? सारे पैसे खत्म कर दिए तुम सबने। माँ जी हम तो यही सोच के गए थे कि कम पैसों में ही सारी शॉपिंग करेंगे, अब बताओ जरूरी था तो लेना ही पड़ा ना। मैं तो परेशान हो गई हूँ महंगाई से, कोई बात ही नहीं है माँ जी, अब जितने पैसे दिए थे सारे लग गए, लेकिन कुछ भी रहा नहीं, सारी शॉपिंग कर ली है हमने। चलो महंगा ही सही, लेकिन ले तो लिए ना सबने कपड़े, यही सही है। सुरेखा दोनों की बातों में आ जाती है और मान लेती है कि शॉपिंग में सारे पैसे खत्म हो गए और बाकी की तीनों बहुओं से बात तक नहीं करती है। और जैसा कामिनी और अंजलि का प्लान था वैसे ही ये दोनों बाकी की तीनों को बोल देती हैं कि उन्होंने माँ जी का हिसाब दे दिया है, इसीलिए ये तीनों भी अब सुरेखा के पास नहीं जाती हैं। इसी तरह ये दोनों कई बार ऐसे ही पैसों घोटाला करती थी। तीनों ईमानदार बहुओं का फायदा उठाकर अपने लालच को पूरा करती हैं। ऐसे ही कई दिन तक चलता रहता है, कहीं भी जाना होता तो जाती, तो पांचों बहुएं ही थी। लेकिन अंजलि और कामनी झूठ बोलकर पैसे अपने पास ही रख लेती थी। कुछ दिनों बाद पांचों बहुएं रसोई में खाना बना रही होती हैं, तभी प्रेमा बोलती है, मैं सोच रही हूँ क्यों ना आज हम खीर बना दें, बहुत दिन हो गए खीर खाए हुए। बिल्कुल सही सोचा, मेरा भी खीर खाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन थोड़ा ही दूध है तो थोड़े से दूध में सबके लिए नहीं हो पाएगा, कोई जाकर दूध ले आओ। थोड़ा पानी डाल देना, ज्यादा हो जाएगी, और इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है। अब खीर बना रहे हैं तो ईमानदारी से ही बनाओ ना, ये पानी डालकर खीर को ज्यादा करना अच्छा थोड़ी लगता है। हाँ सलोनी सही बोल रही है। तो ठीक है, इतनी ही दूध में बना दो, थोड़ा थोड़ा सब खा लेंगे। हाँ ये सही है, लेकिन खीर मुझे तो बहुत पसंद है, इसलिए ये मत सोचना कि मैं जरा भी कम खाऊंगी। हाँ मुझे भी बहुत पसंद है। अंजलि दीदी की बात मान लो और खीर में थोड़ा पानी डाल दो, ज्यादा होगी तो सब खा ही लेंगे ना। खीर बस मीठे में है, खीर से ही पेट नहीं भरना है, जितनी खीर बनी है ना उस हिसाब से सबको मिल जाएगी। तुम दोनों को कोई मना थोड़ी कर रहा है खीर खाने से, खा लेना, बस ये ध्यान रखना कि किसी को छूटे ना खीर मिलना। वो ध्यान तो आप रखना ना। प्रेमा सबके लिए उतने से दूध की खीर बना देती है और खाना देते समय सबको खीर दे देती है और सबको खीर पसंद आती है और सबको देने के वजह से खीर खत्म हो जाती है। सब खीर खा लेते हैं तो सुरेखा प्रेमा से पूछती है, बहू तूने तो सबको खीर दे दी, लेकिन तूने खाई या नहीं, या सबको देने के चक्कर में खुद रह गई? माँ जी वो और बोलो ईमानदार, मैं तो बोल रही थी ना कि थोड़ा पानी डालकर ज्यादा कर लो खीर को, लेकिन नहीं, आपको तो ईमानदार बनना था, आ गया खीर का स्वाद। बहू तुझे खीर खाने को नहीं मिली? माँ जी खत्म हो गई थी खीर, इसीलिए नहीं मिली, लेकिन कोई बात नहीं, खीर ही तो है, कभी और वापस बना लूंगी ना, जरूरी थोड़ी ना है कि आज ही खीर खाऊं, है ना। ये दोनों तो लालच के आगे कुछ देखती ही नहीं है। कामिनी बहू बहुत लालच है ना तेरे अंदर, जा
जाकर अब रसोई का सारा काम कर, बर्तन धो और सब्जी भी साफ कर दियो। क्या माँ जी, मैं लेकिन अकेले कैसे? हाँ तो अपनी साथी अंजलि को भी ले जाना, और हाँ काम करने का भी लालच दिखा, सारा काम हो जाना चाहिए, समझी तू? सुरेखा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और रसोई का सारा काम अंजलि कामनी मिलकर करती हैं। ऐसे ही एक दिन मंगला और सुलेखा गली में खड़े होकर बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ सब्जी बेचने वाला आता है और सुरेखा के बोलने पर उसकी पांचों बहुएं बाहर आ जाती हैं। तभी सुरेखा बोलती है, बहुओं घर में सब्जी खत्म हो गई है तो सब्जी ले लो। सब्जी तो मेरे भी घर में खत्म हो गई है, मैं भी ले लेती हूँ। भैया ये भिंडी कैसे दिए? 60 रुपए किलो भिंडी है, बताओ कितनी दूँ? हाय हाय कैसी लूट मचा रखी है, इतनी महंगी सब्जी दे रहे हो आप? अब क्या कर सकते हैं, हमें जिस दाम पे मिलेगी सब्जी उसी दाम पर तो बेचेंगे ना। दीदी क्या ही इतनी महंगी सब्जी लेना, मैं तो बोलती हूँ यहाँ इतने लोगों में ये बिजी है, हम साइड से ही कुछ सब्जी रख लेते हैं ना। हाँ सही बोल रही हो तुम, जाओ एक काम करो मैं सब्जी देती हूँ, तुम चुपचाप थैले में रखती जाओ। अब बात ही मत करो और सब्जी भी ले लो, अब क्या महंगाई की वजह से खाना छोड़ देगा इंसान। अंजलि धीरे से सब्जियां चुरा कर कामनी को देने लगती है और ये सब करते हुए वर्तिका देख लेती है, लेकिन अपनी सास की इज्जत की वजह से वो चुप हो जाती है। पर ये सब सब्जी वाला भी देख लेता है और वो अंजलि को और देखते हुए बोलता है, आप साइड से सब्जियां क्यों चुरा रही हो मैडम? नहीं तो मैं कुछ नहीं ले रही हूँ। आप थैला दिखाओ। थैला क्यों दिखाना है, मैंने कुछ किया ही नहीं है। आप इतना ही सच बोल रही हो ना, तो अपना थैला दिखा दो, दिखाओ ना। हाँ बहू थैला दिखा। अंजलि का थैला देखा जाता है तो सबको पता चलता है कि अंजलि और कामिनी चोरी कर रही थी। ये सब देखकर सुरेखा बोलती है, बहू तुम दोनों अपने लालच की वजह से चोर बन गई, जरा भी शर्म आ रही है तुमको? माँ जी इन्हें मैंने भी देखा था चोरी करते हुए। आप भी पक्का इनके साथ ही चोरी कर रही होंगी। देख बहू मुझे पता है तुम तीनों कितने ईमानदार हो, लेकिन तुम तीनों को बोलना चाहिए, और तुम दोनों आज तो तुमने पूरे मोहल्ले में मेरी नाक कटवा दी। माँ जी हमें माफ कर दो, आगे से नहीं करेंगे। जब पूरे मोहल्ले के आगे दोनों की बेइज्जती होती है तो दोनों को अपनी गलती समझ आती है और दोनों लालच करना छोड़ देती हैं। साथ ही तीनों ईमानदार बहुएं भी अपनी बात सही जगह रखने में फिर कभी पीछे नहीं हटती। शैली सुबह सुबह जैसे ही उठकर फ्रेश होकर नाश्ता बनाने के लिए रसोई में जाती है, तभी उसको अपने घर के फर्स्ट फ्लोर से मछली फ्राई करने की महक आती है और वो कहती है, हे भगवान मेरी बंगाली बहू तो एक दिन भी खाली नहीं जाने देती, सुबह सुबह ही अपनी मच्छी की दुकान पर मच्छी पकाना शुरू कर देती है, मैं तो इसकी रसोई का पानी भी ना पीऊं। शैली इतना बोल ही रही थी कि तभी शैली के फोन पर उसकी बंगाली बहू अबोनिता का कॉल आता है। शैली फोन उठाती है और कहती है, बोलो क्या हुआ, सुबह सुबह क्यों फोन किया है? माँ जी आज आप मेरे और सोहम के साथ नाश्ता कर लो, आज आपके लिए मैंने स्पेशल नाश्ता बनाया है। क्या नहीं कभी नहीं, सुबह सुबह मछली की महक ने बता दिया कि तूने क्या खास बनाया है। अरे माँ जी वो मैंने अपने लिए बनाया था, आपके लिए तो मैंने आज मिष्टी दोई बनाई है, बासुंदी बनाई है। नहीं नहीं तू ही खा ये सब, मुझे नहीं खाना तेरी रसोई में बना हुआ खाना। अरे कहाँ मैं शुद्ध शाकाहारी खाना खाने वाली और कहाँ तू मांस मच्छी खाने वाली, तेरा नाश्ता तुझे ही मुबारक हो। ठीक है माँ जी जैसी आपकी मर्जी। इतना कहकर अबोनिता कॉल कट कर देती है। शैली के बेटे सोहम ने अबोनिता नाम की बंगाली लड़की से लव मैरिज की थी। अपनी बेटी की खुशी के लिए शैली ने अबोनिता को अपनी बहू के रूप में स्वीकार तो लिया था, पर क्योंकि अबोनिता एक मांसाहारी लड़की थी इस वजह से शैली ने अपनी बंगाली बहू की रसोई अपनी रसोई से अलग कर दी थी। ऐसे ही एक दिन सोहम हाथों में एक मिट्टी की छोटी सी मटकी लिए अपनी माँ के पास आता है और कहता है, माँ माँ कहाँ हैं आप? हाँ बेटा यही हूँ, बोल क्या हुआ? अरे माँ होना क्या है, आपके बेटे का प्रमोशन हो गया है। अरे बेटा बहुत बहुत मुबारक हो। ये लो माँ मुँह मीठा करो। हाँ हाँ बेटा। अरे बेटा ये कौन सी मिठाई है? माँ ये बंगाली रसगुल्ला है। सोहम के मुंह से बंगाली रसगुल्ले का नाम सुनकर शैली जल्दी से अपने मुंह से रसगुल्ला बाहर थूक देती है और खड़ी होकर वॉश बेसिन की तरफ भागती है और गरारे करना शुरू करती है। तभी वहाँ पर अबोनिता भी आती है
और शैली को ऐसा करते देखकर कहती है, जी माँ जी क्या हुआ? पता नहीं, मैं अपने प्रमोशन की खुशी में बंगाली रसगुल्ला लाया था, जैसे ही मैंने इसका नाम सुना तो ऐसे करने लगी। हाँ हाँ माँ जी समझ गई, आप चिंता मत करो, इन रसगुल्लों में कोई मांस मछली नहीं मिला है, ना ही ये मेरी रसोई से आए हैं। क्यों रे सोहम, लाना ही था तो आगरे का पेठा, बरेले की बर्फी ले आता। बहू ये लाया था, कम था क्या जो मुँह मीठा करवाने के लिए भी बंगाली रसगुल्ला ले आया? ओफो माँ जी खा लो, इसमें क्या बुराई है? अरे रसगुल्ला ही तो है, और वैसे भी ये बाहर से आया है, आपकी बंगाली बहू की रसोई में नहीं बना। नहीं पर तेरे जैसे या जैसे ही किसी बंगाली की रसोई में बना है, तुम सब बंगाली एक जैसे ही होते हो। माँ जी आप भी ना पता नहीं मन में क्या वहम लेकर बैठी हैं। अरे इंसान तो इंसान है, शाकाहारी हो या मांसाहारी, गुजराती हो या बंगाली, सबके दो हाथ पैर ही तो होते हैं ना। ऐसा तो नहीं है ना कि बंगाली एक तीन और मद्रासी के चार हाथ हैं। अपनी सलाह मत दे मुझे, समझ गई? अरे माँ गुस्सा क्यों कर रही हो, सही तो कह रही है अबोनीता, जब आपने अबोनीता को अपनी बहू मान लिया है फिर ये सब क्यों? हाँ बहू माना है तो क्या हुआ, इसे अब तक मैंने अपनी रसोई में जगह नहीं दी, जब से आई है इसकी रसोई अलग कर दी है, अब तुम दोनों जाओ यहाँ से और अपने ये गंदे से बंगाली रसगुल्ले भी ले जाओ। शैली की बात सुनकर सोहम रसगुल्ले से भरी मटके उठाकर अबोनीता के साथ अपने फ्लोर पर चला जाता है। वक्त गुजरता है, ऐसे ही एक दिन अबोनीता अपनी सास के पास आती है और कहती है, क्या हुआ माँ जी आप ऐसे उदास क्यों बैठी हैं? कुछ नहीं हुआ, और हुआ भी होगा तो तुझे क्या? खूब भालो माँ जी, अरे सीधी बात का सीधा जवाब दो ना, बताओ क्या हुआ? गैस खत्म हो गई घर की, नाश्ता नहीं किया सुबह से, ना ही चाय पी है। अरे माँ जी तो आप मुझे कह देती ना, रुको मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं बिल्कुल भी नहीं, अरे तेरी रसोई का खाना खाने से अच्छा है कि मैं निर्जला व्रत रख लूं। अरे माँ जी कैसी बात कर रही हैं आप, कम से कम इतना तो ख्याल करो खुद का, अरे एक कप चाय पी लो, कुछ नहीं होगा। नहीं मतलब नहीं, मैंने सिलेंडर वाले को फोन किया है, आ जाएगा शाम तक। तो क्या शाम तक आप भूखी बैठी रहोगी? अरे ये जिद छोड़ भी दो माँ जी। अबोनीता इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर हाथों में चाय नाश्ता लिए शैली की दोस्त कमला आंटी आती है और कहती है, ले शैली बहन तेरे लिए चाय नाश्ता। माँ जी ये सब क्या है, अरे जब घर में रसोई है दूसरी तो बाहर से खाना क्यों मंगवा रही हैं? अरे कमला आंटी को परेशानी देने की जरूरत ही क्या थी? दूसरी रसोई नहीं बल्कि मेरी बंगाली बहू की रसोई, अगर मैं भूख से मर भी जाऊँ ना तब भी तेरी रसोई का खाना पानी नहीं लूँगी। अरे शैली बहन इतना गुस्सा मत कर, नाश्ता कर ले फिर दोपहर का खाना खाने घर आ जाना। और बहू तू जब नहीं चाहती है तेरी सास की तेरी रसोई का खाना खाए तो क्यों गुस्सा दिलाकर बीपी बढ़ा रही है? ठीक है जैसे आप लोगों को सही लगे आप वही करो, मुझे क्या। इतना कहकर अबोनीता गुस्से में पैर धमकाती हुई वहाँ से चली जाती है। शैली कमला का लाया हुआ नाश्ता आराम से करती है, साथ ही कमला से खूब बातें करती है। थोड़ी देर बाद कमला अपने घर चली जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है पर शैली की रसोई से अबोनीता की रसोई तक का फासला नहीं मिट पाता। ऐसे ही एक दिन इन सब से परेशान होकर अबोनीता सोहम से कहती है, सोहम मुझे समझ नहीं आता है आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा, माँ जी तो हमारी बात मानने को तैयार ही नहीं है। तुम सही कह रही हो अबोनीता, माँ जी का यही रवैया रहा तो आगे जाकर उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब कुछ ना कुछ तो ऐसा करना ही होगा कि इस बंगाली बहू की रसोई और माँ जी की रसोई एक हो जाए। पर तुम करोगी क्या अबोनीता? नहीं पता कि क्या करना है पर जो भी करूँगी वो आखिरी दाव होगा, और मुझे पक्का यकीन है इस बार माँ जी और मेरी रसोई एक जरूर होगी। ऐसे ही एक दिन जब शैली मंदिर से घर आती है तो देखती है कि अबोनीता उसकी रसोई में खाना बना रही है। ये देखकर शैली को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे कहती है, बहू ये क्या कर रही है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी रसोई में खाना बनाने की? हिम्मत की क्या बात है माँ जी, ये मेरा घर है ये मेरी रसोई भी है, जितना हक आपका है उतना ही मेरा भी है, और वैसे भी अब मैं और सोहम अपना खाना अलग नहीं बनाया करेंगे, यही इसी रसोई में बना करेगा हमारा खाना भी। अरे पागल हो गई है क्या, अरे मैं शुद्ध शाकाहारी खाने वाली, तुम मांस मच्छी खाने वाली, अरे मेरी रसोई को अपवित्र कर दिया तूने, दफा हो निकल मेरी रसोई से। अच्छा माँ जी ये बात है, फिर तो आप भी अशुद्ध हो गई, क्योंकि मैं तो रोज आकर आपके पैर छूती हूँ, आपका आशीर्वाद लेती हूँ, आपका घर भी अशुद्ध हो गया होगा क्योंकि माँ जी वहाँ तो मैं रहती हूँ,
आपकी रसोई के बर्तन मसाले यहाँ तक कि हर चीज अशुद्ध हो गई होगी क्योंकि मैंने उसे छूचो लिया है। बताइए किस किस को शुद्ध करेंगी आप? बहू मुझे ज्ञान का पाठ मत पढ़ा, जो कहा है वो कर जा यहाँ से, समझ गई? नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ जी आप चाहे जितना मर्जी गुस्सा कर लो, पर सच यही है कि शुद्ध हमारा तन मन होना चाहिए। ये सब नहीं, ये भेदभाव गलत है माँ जी। अरे हम सब एक घर के लोग हैं, आप ऐसे अपनों में ही फर्क करेंगी तो आने वाली पीढ़ी को क्या शिक्षा मिलेगी? माँ जी घर नहीं सोच को शुद्ध कीजिए और नाश्ता कीजिए, आपकी पसंद का शाकाहारी खाना बनाया है। अबोनिता की बातें सुनकर शैली को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बहू से माफी मांगती है। साथ ही अपनी बंगाली बहू की रसोई और उसकी सास की रसोई एक हो जाती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।